देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है, जिसे लेकर दिल्ली में श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रहा है। दिल्ली शहर के जाने माने चांदनी चौक के श्री नरसिंह हनुमान मंदिर सहित कई मशहूर हनुमान मंदिरों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के शामिल होते हुए इन भव्य शोभा यात्राओं के लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने रूट भी तैयार कर लिया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निश्चित दूरी के अंदर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी। आयोजन समिति से चर्चा हुई और कानून व्यवस्था के अनुरूप यात्रा निकालने की अपील की गई। इस दौरान हनुमान जयंती पर पूजा पाठ व भंडारे का कार्यक्रम भी किया गया। 150 वर्ष पुराने एक प्राचीन चांदनी चौक के श्री नरसिंह हनुमान मंदिर से शाम 4 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जो मधुरस चौक, त्रिबकला, नई सड़क, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद बाजार, खारी बावली और फतेहपुरी होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर रात करीब 9 बजे संपन्न की गई। इस यात्रा के लिए अलग अलग शहरों के अखाड़ों के महामंडलेश्वर व संत महात्मा भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। इस दौरान भक्तों को हनुमान जी की 150वीं पुरानी सवा बन चांदी की मूर्ति का भी दर्शन लाभ मिला। श्रद्धालु हनुमान जी की इस मूर्ति का दर्शन साल में 2 बार ही कर पाते हैं, एक बार हनुमान जयंती पर, दूसरी बार जन्माष्टमी के मौके पर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।